हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप सभी सीखने वाले हैं कि ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट का ओवरव्यू, इस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं टोटल आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग स्कीम है, ठीक है। और टीचिंग स्कीम में क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे लेक्चर के लिए कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, कितने आवर्स होते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल के लिए कितने होते हैं। ट्यूटोरियल इसमें नहीं होता है, तो लेक्चर और प्रैक्टिकल इसमें होते हैं। लेक्चर्स के लिए 3 आवर्स वीकली होता है, प्रैक्टिकल के लिए 2 आवर्स वीकली होता है। क्रेडिट टोटल 5 है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं, ESE फिर PA फिर ESE PA आपको दिख रहा है, 70 मार्क्स जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो आपका थियरी एग्जाम होता है, उसके 70 मार्क्स होते हैं। फिर आपका इंटरनल जो कॉलेज की तरफ से इंटरनल होता है मिड, वो 30 मार्क्स का। फिर बाद में आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसका 30 और 20 ये है, ठीक है। टोटल अगर ये सब्जेक्ट का अगर देखेंगे तो 150 मार्क्स का ये है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर, कोर्स कंटेंट, कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का, मटेरियल्स फॉर कॉन्क्रीट। दूसरा है फ्रेश कॉन्क्रीट। तीसरा है आपका एडमिक्सर। चौथा है हार्ड एंड कॉन्क्रीट। एंड फिफ्थ है कंक्रीट मिक्स डिजाइन। सिक्स में जाएंगे तो स्पेशल कंक्रीट देखेंगे। सेवेंथ है प्रिवेंशन एंड रिपेयर ऑफ क्रैक्स। जो क्रैक्स आते हैं तो उसके लिए पहले प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, अगर हो जाते हैं क्रैक्स तो क्या उसके रिपेयर किस तरीके से होंगे, ये हैं। फिर बाद में मॉडर्न ट्रेंड या रिसर्च से रिलेटेड, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिसर्च हुए हैं इससे रिलेटेड है। तो चलिए वन बाय वन में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर वाइज में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मटेरियल्स फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो मटेरियल्स फॉर कंक्रीट में कंक्रीट से रिलेटेड मटेरियल क्या क्या है वो चीजें जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो कंक्रीट किससे बना होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो जिसके थ्रू ये कंक्रीट बनता है, बेसिक है। इसके अलावा भी और भी मटेरियल मिक्स किए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक जो मटेरियल है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता जानना होता है कि ये जो सीमेंट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ से मिल सकता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी बात करें तो इसका मतलब लैबोरेटरी टेस्टिंग या फील्ड टेस्टिंग की बात कर रहा है। तो ये टेस्ट करके हम इसकी क्वालिटी जान सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे के पॉइंट भी देख रहे हो, टेस्ट क्वालिटी, ठीक है, हम जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जो फ्रेश कंक्रीट है, फ्रेश कंक्रीट में आप बहुत सारे इसमें पॉइंट है। फ्रेश कंक्रीट को हम प्लास्टिक कंक्रीट भी बोलते हैं, फ्रेश कंक्रीट को हम ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप वर्केबिलिटी भी पढ़ेंगे, हार्शनेस, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज, जो फ्रेश कॉन्क्रीट है ये उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वर्केबिलिटी है, इसके कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। कौन कौन से मेथड हैं जो वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे स्लम्प है, स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट आपका फील्ड टेस्ट होता है, डायरेक्टली आप साइट पे आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टेस्ट है, जैसे कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, फिर उसके बाद से वीवी कैलिबली होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। तो वो सब चीजें डिमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे, बाकी चीजें तो प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और भी बहुत सारे, जैसे कि अभी एडमिक्सर है, तो एडमिक्सर में आपको क्या है उसकी क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के एडमिक्सर हैं। फिर बाद में उसकी वेरियस जितने भी टाइप्स के उनके यूजेज देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका हार्ड एंड कॉन्क्रीट। तो हार्ड एंड कॉन्क्रीट उसको बोला जाता है जब कॉन्क्रीट मेरा स्ट्रेंथ लेने के लायक हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन करने लग जाता है। जब भी कोई चीज बना है तो स्टार्टिंग में जब भी हम उसको बनाते हैं तो वो स्ट्रेंथ नहीं गेन करता, वो सेट होता है, ठीक है, एक शेप लेता है। लेकिन हार्ड एंड कॉन्क्रीट उसको बोला जाता है जो स्ट्रेंथ गेन कर लिया, स्ट्रेंथ मतलब उसके ऊपर लोड दे तो वो कैरी कर सकता है। तो जब उस तरीके का कंक्रीट है तो उससे रिलेटेड क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, टेंसाइल स्ट्रेंथ है या तो फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा हार्ड एंड कॉन्क्रीट में। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट जो अगर चैप्टर देखेंगे तो वो आपका है कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन जैसे कि
नॉर्मली हमको पता है M20 का प्रोपोर्शन क्या होता है, M25 तक हमें पता होता है। उसके आगे का अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ के कंक्रीट की अगर हमें जरूरत है तो उसके लिए मिक्स डिजाइन करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रोपोर्शन हमें खुद बताने पड़ते हैं। तो वो प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, ये डिजाइन के बेस पे निकलता है। तो इस चैप्टर में आप इसके डिजाइन को सीखेंगे कि किस तरीके से क्या, ये कैलकुलेशन बेस पे भी ये इसमें आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा देखने को मिलेगा, बाकी टोटल आपका थियरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि स्पेशल टाइप के कंक्रीट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल टाइप के हैं कंक्रीट, जैसे लाइट वेट कंक्रीट होता है, उसके बाद प्लम कंक्रीट है, फाइबर एनफोर्स कंक्रीट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल टाइप के कंक्रीट है जो स्पेशल यूज में किए जाते हैं। जहां पर रिक्वायरमेंट इस तरीके का होता है उस तरीके से ये स्पेशल टाइप के कंक्रीट बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड आप अपने जो फिफ्थ सेम के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी ये स्पेशल टाइप के कंक्रीट से रिलेटेड टॉपिक लेकर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे अभी देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके कंक्रीट ब्लॉक बना रहे हैं या तो ब्रिक बना रहे हैं। प्लास्टिक जो वेस्ट है जो हमारे किसी काम के नहीं है उसको हम यूज में ले सकते हैं, जो एक एनवायरमेंट के लिए भी हमारे लिए हेल्दी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्लाइड रह गया, तो वो स्लाइड में भी मैं बता देता हूँ जो प्रिवेंशन एंड रिपेयर फॉर क्रैक्स के लिए था, कि जो क्रैक्स है, जो एक्चुअली क्रैक्स नहीं आए उसके लिए क्या प्रिवेंशन हो सकता है, फिर उसके बाद से अगर क्रैक्स हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या रिपेयर प्रोसीजर है, वो चीज़ें वो टोटल डिटेल इसमें पढ़ेंगे। और ये लास्ट जो है मॉडर्न ट्रेंड एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब अभी मॉडर्न में क्या क्या इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये टोटल था सब्जेक्ट का ओवरव्यू। ठीक है, इतने पॉइंट आपको पूरे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल ये जो चैप्टर वाइज मैंने सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया है उसको डिटेल में हम सब्जेक्ट चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।